हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी हैबिट्स के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू की बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो फ्रेंड जो कि आपका एग्जाम होने वाला है LBCBT 2 का 21, 22 और 23 जनवरी को। तो फ्रेंड जो कि आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से दोस्तों आपके क्वेश्चन पूछते हैं आई रिलेटेड ही, तो फ्रेंड्स आज हम उसी को दोस्तों डिस्कस करने वाले। 4 से 5 क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे आई रिलेटेड से। तो फ्रेंड्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों पार्ट है, तो बेसिक दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। तो फ्रेंड्स कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, वॉन न्यूमैन, जेस गिल्बी, चार्ल्स बैबेज, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स सिंपली दोस्तों आपका आंसर है चार्ल्स बैबेज। तो फ्रेंड्स जो कि चार्ल्स बैबेज है दोस्तों, इन्होंने आविष्कार किया था कंप्यूटर का। तो फ्रेंड्स साथ साथ दोस्तों उनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। तो फ्रेंड आपको यहाँ से भी क्वेश्चन मिल सकता है, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन दोस्तों, चार्ल्स बैबेज आविष्कार भी हुए, फादर ऑफ कंप्यूटर भी पूछ सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3, कंप्यूटर के आविष्कार कौन है, चार्ल्स बैबेज। अगला सवाल देखते हैं, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था, अटारिस, इनियक, टैंडी, नोवेला। तो फ्रेंड आपको सिंपली बताना है कि कंप्यूटर का सबसे पहला नाम क्या है। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर 2 जो कि है इनियक, जो कि आपके कंप्यूटर का सबसे पहला नाम था, इनियक, ENIAC, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल देखते हैं, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई, 1949, 1951, 1946, 1947। तो फ्रेंड जो कि क्वेश्चन पूछा है आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी 1946 में। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर जो कि थर्ड है आपका सही आंसर है, 1946 में दोस्तों आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। तो फ्रेंड ये सारे दोस्तों क्वेश्चन प्रीवियस तरह के दोस्तों क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स यही क्वेश्चन रिपीट होंगे हर बार। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखिए, तो फ्रेंड्स यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे LBCBT 2 में। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई, 1977, 2000, 1975, 1960। तो फ्रेंड जो कि आपका आंसर है 1960 में दोस्तों कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई, 1960। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। तो फ्रेंड वो बहुत ही दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, गणन करने वाला, संगणक, हिसाब लगाने वाला या परिगणक। तो फ्रेंड जो कि ऑप्शन नंबर 2 है हमारा सही आंसर है, संगणक। हिंदी कंप्यूटर का दोस्तों नाम क्या है, संगणक होता है, ऑप्शन नंबर 2 इज अवर करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं, उसके साथ कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड जो कि कंप्यूटर लिटरेसी डे होता है उसको कहते हैं कंप्यूटर लिटरेसी डे। तो फ्रेंड जो कि आपका ऑप्शन है 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर और 9 दिसंबर। तो फ्रेंड्स हाल ही में दोस्तों इसका हुआ है कंप्यूटर लिटरेसी डे, जो कि दोस्तों 2 दिसंबर, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 4 2 दिसंबर। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीपीयू। तो फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन पूछा है सीपीयू, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछेंगे। तो फ्रेंड्स आपको दोस्तों पॉइंट याद रखना है कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, फुल फॉर्म से दोस्तों क्वेश्चन बनेंगे आपके और बेसिक नॉलेज से क्वेश्चन बनेंगे। तो फ्रेंड्स सीपीयू का नाम क्या है, ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो कि दोस्तों सिंपली आपका आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर 1। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो फ्रेंड्स सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल देखते हैं, इनमें से सर्च इंजन नहीं है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा है कि सर्च इंजन से आपका क्वेश्चन पूछा है, इनमें से सर्च इंजन नहीं है। तो फ्रेंड आपका ऑप्शन है गूगल, याहू, बेडू और वोल्फ्राम अल्फा। तो फ्रेंड जो कि गूगल है आपका सर्च इंजन, याहू है सर्च इंजन और बेडू भी सर्च इंजन, तो जो कि ऑप्शन नंबर जो कि 4 है दोस्तों आपका सर्च इंजन नहीं है, वोल्फ्राम अल्फा। तो क्वेश्चन दोस्तों आपका आंसर होगा वोल्फ्राम अल्फा इज नॉट अवर सर्च इंजन, ऑप्शन नंबर 4। अगला दोस्तों देखते हैं, निम्न में कौन सा इनपुट इकाई है। तो फ्रेंड क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है, इकाई क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस बोलते हैं, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, इनमें सभी। तो फ्रेंड जो कि आपके सभी दोस्तों क्या है, इनपुट डिवाइसेस, इनपुट इकाई है, ऑप्शन नंबर 4 इज अवर करेक्ट आंसर, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ द अबो, ऑल ऑफ दिस, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10,
वन किलो बाइट के बी कितने बाइट बराबर होता है? तो फ्रेंड जो कि क्वेश्चन पूछा है, वन किलो बाइट के बी कितने बाइट के बराबर होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1024 बाइट्स के बराबर होता है। क्या दोस्तों, 1 KB इक्वल्स टू 1024 बाइट्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, 1 MB कितने बाइट के बराबर होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन पूछा 1 MB, तो फ्रेंड 1 MB क्या होता है? 1024 KB होता है। क्या दोस्तों, 1024 KB होता है। 1 MB इक्वल्स टू 1024 KB, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 GB। तो फ्रेंड यहाँ से MB KB और GB से क्वेश्चन पूछे, 1 GB GB कितने बाइट के बराबर होता है? यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पूछा, तो फ्रेंड 1 GB जो कि आपका पूछा है, 1 GB इक्वल्स टू क्या होता है? 1024 MB होता है। क्या दोस्तों, MB। 1 GB इक्वल्स टू 1024 MB, ऑप्शन नंबर टू। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर टू। 1 GB इक्वल्स टू क्या होता है? 1024 MB, ऑप्शन नंबर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनाते हैं। तो फ्रेंड जो कि कंप्यूटर में IC चिप कहाँ से बनाते हैं? क्रोमियम से, आयरन से, सिल्वर से या सिलिकॉन से? ऑप्शन नंबर जो कि फोर है दोस्तों, सिलिकॉन से बनाते हैं। सिलिकॉन दोस्तों, सिलिकॉन चिप कहते हैं उसको, सिलिकॉन चिप, ऑप्शन नंबर फोर। तो फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, इंटरनेट के पते में पद HTTP का विस्तृत नाम क्या है? तो फ्रेंड जो कि HTTP से दोस्तों फुल फॉर्म पूछा है यहाँ पे, तो फ्रेंड आपके ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और लास्ट है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो फ्रेंड इनमें से जो कि आपका ऑप्शन नंबर वन है वो दोस्तों सही है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दोस्तों क्या है? HTTP। तो फ्रेंड्स क्या है दोस्तों, HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा भाषा प्रयुक्त कौन सी होती है? तो फिर आपका ऑप्शन है बेसिक, जावा, लोगो, पायलट। और फ्रेंड जो कि आपका ऑप्शन नंबर थ्री है, लोगो। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय होती है? लोगो द्वारा, ऑप्शन नंबर थ्री। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, एक सुवाद्य निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? उसे क्या कहते हैं दोस्तों, मेन फ्रेम कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, PDA? तो फ्रेंड जो कि आपका ऑप्शन नंबर टू है, नोटबुक कंप्यूटर। क्या दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर टू, नोटबुक कंप्यूटर। एक सुवाद्य निजी कंप्यूटर जो आपकी आपकी गोद में रखने लायक होता है, छोटा सा होता है, उसे क्या कहते हैं? नोटबुक कंप्यूटर कहते हैं, नोटबुक कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर टू। अगला सवाल देखते हैं, कोडांतरक एक प्रोग्राम है। क्या दोस्तों, कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किसके प्रोग्राम का रूपांतरण है? वह एक कोडांतरण एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किसके प्रोग्राम का रूपांतरण है? क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आपके ऑप्शन है मशीन से निम्न स्तर तक, निम्न स्तर से उच्च स्तर तक, उच्च स्तर से कोडांतरण स्तर तक, और कोडांतरण से मशीन तक। तो फ्रेंड जो कि आपका आंसर है, कोडांतरण से मशीन तक, ऑप्शन नंबर फोर, कोडांतरण से मशीन तक, जो कि दोस्तों का आंसर है, ऑप्शन नंबर फोर। दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है? मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक प्रोसेस द्वारा, एक से अधिक प्रोसेस द्वारा, बिना किसी प्रोसेसर के, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो कि आपकी मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, तो फ्रेंड्स क्या बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग को? एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, ऑप्शन नंबर टू। फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं, 19, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है? बबल मेमोरीज, फ्लॉफी डिस्क, CD-ROM, कोर मेमोरीज। तो फ्रेंड जो कि आपकी ऑप्शन नंबर थ्री है, CD-ROM, जो कि है ऑप्टिकल मेमोरी, CD-ROM। CD मीन्स दोस्तों कॉम्पैक्ट डिस्क, ROM मीन्स रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर थ्री जो कि आपका आंसर सही आंसर है, CD-ROM, जो कि है ऑप्टिकल मेमोरी, ऑप्शन नंबर थ्री। दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? CPU में, यानी दोस्तों CPU आपका क्वेश्चन पूछा है, CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? माइक्रो प्रोसेसर, आउटपुट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो फ्रेंड जो कि आपका ऑप्शन नंबर फोर है, जो होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों यहाँ लिखा है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि दोस्तों आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, तीसरा यूनिट होता है यहाँ पे CPU में, कंट्रोल मेमोरी और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट थर्ड होता है, ऑप्शन नंबर फोर जो कि आपका सही आंसर है। दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, CPU के ALU में होते हैं, CPU के ALU में होते हैं रैम स्पेस, रजिस्टर, वाइट स्पेस, इनमें से सभी। तो फ्रेंड जो कि CPU के ALU में होते हैं रजिस्टर, क्या होता है दोस्तों रजिस्टर, ALU में क्या होते हैं रजिस्टर, ऑप्शन नंबर टू। दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? डिस्क यूनिट, मोडेम, ALU,
कंट्रोल यूनिट, तो फैन जो कि आपका आंसर है ALU, ऑप्शन नंबर 3, जो कि गणना और तुलना के लिए क्या कहते हैं दोस्तों कंप्यूटर प्रयोग करता है, ALU का अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन नंबर 3 आवर आंसर। तो फिर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, क्या है दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो कि डेटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं, प्रोसेसर कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं, प्रोग्राम या प्रोटेक्टर। तो फ्रेंड जो कि आपका जो आंसर है उसे कहते हैं प्रोसेसर, क्या कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर आंसर, प्रोसेसर। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे कहते हैं प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर 1। तो फ्रेंड्स ये थे दोस्तों आज का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर IT लिटरेसी। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फ्रेंड्स ऐसे दोस्तों वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, लाइक शेयर एंड कमेंट।